नमस्कार, द बिहार टीचर सिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा के इस मंच पर। मैं अर्चनानी, महेंद्र उच्च विद्यालय, सर राजकीय इंटर कॉलेज, जीरादेई, सिवान से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः अपने क्लास में उपस्थित हूँ। आइए, हमेशा की तरह हम क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। तो आज का सुविचार है, जीवन में सफलता का रहस्य हर आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। तो आइए, हम भी अपने आने वाले परीक्षाओं के लिए तैयार होते हैं और अपनी क्लास में उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने जनन चैप्टर से कुछ वस्तुनिष्ठ या बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चाएं की थी। आज हम लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतानों को जन्म देकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अपना अस्तित्व कायम रखते हैं तथा अपनी जाति का परिरक्षण करते हैं। जनन क्रिया के द्वारा जीवों के संख्या में वृद्धि होती है और इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व भी कायम रहता है और अस्तित्व होने के कारण उनकी जो जातियां हैं वह भी परिरक्षित होती हैं, उनका भी रक्षण होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन क्रिया दो प्रकार की होती है, पहली अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में दो जीव या दो व्यष्टि अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन से क्या समझते हो? अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यष्टि या एक ही जीव भाग ले सकता है। इसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह पूर्णतः अपने जनकों के समान होती हैं और इस क्रिया के द्वारा अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में कम समय में हम जीव उत्पन्न कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से क्या समझते हैं? तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के ठीक विपरीत होता है। अलैंगिक जनन में हमेशा दो जीव या दो व्यष्टि भाग लेते हैं और इन इस क्रिया में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मकों के निषेचन के बाद भ्रूण की उत्पत्ति होती है और इस भ्रूण के विकास से नए जीव का जन्म होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विखंडन किसे कहते हैं? तो विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें जीव का जो शरीर होता है वह दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन या बहुविखंडन। द्विखंडन जिसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं, इसमें जीव का शरीर पूर्णतः दो भागों में बढ़ जाता है और पहले वाले जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अर्थात जो जनक जीव है उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है और एक जीव से दो नए जीव का निर्माण होता है। यह क्रिया अधिकांशतः एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। और
विखंडन का दूसरा प्रकार है बहु खंडन या बहु विखंडन, जिसको मल्टीपल फिशन भी कहते हैं। इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में जीव के चारों ओर एक कठोर सिस्ट या पुटी का निर्माण होता है और उसके अंदर कोशिका बारंबार विभाजित होकर एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं। और जो न्यूक्लियस है, कोशिका का अर्थात उसका न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है कोशिका का, वह बार बार विभाजित होता है और एक केंद्रक बहुत सारे केंद्रकों में बढ़ जाता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो सिस्ट या पुटी फट जाती है और उसके बाद सभी केंद्रक अपने चारों ओर एक कोशिका झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं और जीव थोड़ा थोड़ा जीव द्रव लेकर वे सिस्ट या पुटी के फटने के बाद वे वातावरण में आ जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन पाकर विकसित होते हैं। इस तरह से एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है इस बहुविखंडन प्रक्रिया में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।